हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री टू ट्रैवल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में न्यूजीलैंड का वीज़े के ऊपर मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो आज 10 जून है, तो आज के अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने अपने चैनल पर एक न्यूजीलैंड का विजिटर वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा अपलोड किया है। उसकी पूरी प्रोफाइल बताऊँगा और उनका वीज़ा जो है, सबसे पहले बता दूँ, 6 दिन के अंदर अप्रूव हो के आया है। और इसके अलावा इससे पहले भी एक न्यूजीलैंड का वीज़ा नेपाली पासपोर्ट पर 7 डेज के अंदर आ गया था। तो अब ये मैं नहीं कह सकता कि ये कैसे आया, फिलहाल मैं आपको प्रोफाइल बताता हूँ। ये प्रोफाइल के साथ वीज़ा जो अप्लाई किया गया था और 6-7 दिन के अंदर नेपाली पासपोर्ट पर, अब ये इंडियन पासपोर्ट है। 6 दिन के अंदर इनका जो आज वाला वीज़ा है, 6 दिन के अंदर वीज़ा अप्रूव हो गया है। उसका एक लाइव प्रूफ भी मैं आपको अपने चैनल पर जो है, अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाऊँगा, तो आप वो भी देख लेना। और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करने की आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कर लेना अगर आपने नहीं किया है। मेरे चैनल पर आपको ट्रैवल रिलेटेड और वीज़ा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसके अलावा वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स, प्रोफाइल के बारे में आपको बता दूँ, प्रोफाइल इनका जॉब प्रोफाइल था, बिज़नेस प्रोफाइल नहीं था। तो जॉब इनकी लगभग, इनकी जो सैलरी थी 55,000 के अराउंड थी। इसके अलावा अकाउंट में इनके लगभग 5.5 लाख के 5,78,000 रुपये इनके अकाउंट में थे जब वीज़ा अप्लाई किया गया था। NOC लगाई गई थी, सैलरी स्लिप जो पे स्लिप थी वो 6 पे स्लिप लगाई थी, और 8 दिन का ट्रैवल मैंने दिखाया था। 8 दिन का ही, मतलब जैसे ऑकलैंड और वेलिंगटन में 8 दिन का ही इनका ट्रैवल का मैंने प्लान बनाया था। आइटनरी वगैरह में मैंने लगाई थी। होटल जो है, रिजर्वेशन मैंने नहीं की थी, फ़्लाइट की बुकिंग मैंने नहीं लगाई थी। बस एक कवर लेटर में मेंशन कर दिया था कि जब हमारा वीज़ा अप्रूव हो जाएगा तब हम जो है अपनी जो रिजर्वेशंस हैं फ़्लाइट की और होटल की, उसे हम कंफर्म कर देंगे। तो जैसे एक बारी पहले हुआ था, वो भी वीडियो मैंने बनाई थी तब। तो फ़िलहाल कवर लेटर में ही मेंशन करके ये सारी दो चीज़ें हमने बता दी थी कि हम इसको नहीं लगा रहे हैं, रिजर्व नहीं कर रहे हैं, और जब हमारा वीज़ा अप्रूव हो जाएगा तब हम इसे कंफर्म कर लेंगे जब हम ट्रैवल करेंगे। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल वीज़ा अप्रूव हो गया 6 दिन के अंदर। अब आपको मैं जो है इनकी सैलरी बता दी, आपको अकाउंट में पैसे बता दिए, ट्रैवल हिस्ट्री इनकी एक कंट्री की थी, सिंगापुर की, और वो भी ट्रैवल हिस्ट्री पर इनका वीज़ा अप्रूव हुआ है। और 6 दिन के अंदर ये वीज़ा अप्रूव हुआ है। हालांकि अभी इंडियंस जो पासपोर्ट है उसमें लगभग 1 महीने से ज़्यादा, 2-2 महीने तक लग रहे हैं, मतलब 55-40-45 दिन ऐसे लग रहे हैं, टाइम लग रहा है। तो अभी भी काफ़ी लोगों के वीज़े जो है अप्लाई किए हुए हैं, बहुत पहले अप्लाई किए, अभी भी उनके वीज़े का जो है डिसीजन नहीं आया है। तो ये डिसीजन बहुत जल्दी आया, खैर मुझे नहीं पता, मैं आपको इसका फिर भी आपको लाइव प्रूफ अब दिखाने जा रहा हूँ अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले जाके, ताकि आप खुद देख सकते हो कि मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो चलते हैं कंप्यूटर की फ्रेंड्स स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ न्यूजीलैंड की पोर्टल पर, वेबसाइट पर, वीज़ा वेबसाइट पर। तो यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे दिखाता हूँ, ये लिखा है उनका नाम जिनका वीज़ा अप्रूव हुआ है, और ये विजिटर वीज़ा जनरल, ये इनके एप्लीकेशन आईडी मैंने हाइड कर दी है, और ये है सबमिटेड ऑन, आप देख सकते हो 5 जून, और ये आप देख सकते हो स्टेटस रीजन में अप्रूव्ड। अब मैं आपको जो है नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके दिखा देता हूँ कि ये आज 5 जून को ये अप्रूव सबमिट किया गया था और 10 जून को ये अप्रूव होके आ गया। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये नाम है, ये एप्लीकेशन आईडी है, ये विजिटर वीज़ा, और ये 10 जून को ये इशू हो गया। और मल्टीपल, और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप डाउनलोड, यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे इसे। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया लाइव प्रूफ भी, और वीज़ा जो है 6 दिन के वीज़ा अंदर वीज़ा अप्रूव होके आ गया। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी नेक्स्ट वीडियो में, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल।